न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुक्रवार को सूरत से 1100 मजदूरों को लेकर गोरखपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थर्मल स्कैनिंग के बाद रोडवेज की बसों से उनके गंतव्य को क्या क्या रवाना। मजदूरों ने और उनके परिजनों ने मुफ्त ट्रेन, बस यात्रा और भोजन के लिए सीएम योगी को दिया धन्यवाद। बांधगांव थाना क्षेत्र के खेत में गाय चरा रही 10 वर्षीय बालिका के साथ किए गए रेप के मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार। एसपी साउथ ने किया मामले का खुलासा, कहा आरोपियों के खिलाफ धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 5/6 के तहत मुकदमा किया गया दर्ज। पुलिस ने पीड़िता को भेजा जिला अस्पताल। जालंधर से मजदूरों को लेकर दरभंगा जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची गोरखपुर स्टेशन। सभी मजदूरों को दिया गया मुफ्त पानी की बोतल और लंच का पैकेट। भोजन करने के बाद ट्रेन को दरभंगा किया गया रवाना। श्रमिकों ने मुफ्त यात्रा और भोजन के लिए केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में फंसे श्रमिकों की योगी सरकार करा रही घर वापसी, रोजगार के लिए करा रही रजिस्ट्रेशन। सीडीओ अर्षिता माथुर ने कहा 10,998 नए जॉब कार्ड बनाकर गोरखपुर बना प्रदेश में अव्वल। रेलवे अस्पताल में बने कोविड L1 हॉस्पिटल 200 बेड के क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों को रखने के पूर्व किया गया मॉक ड्रिल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा अस्पताल में तैनात डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय सहित अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण को परखने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। बहरगंज थाना क्षेत्र में गला रेत कर अपनी सगी नानी को मौत के घाट उतारने से मची सनसनी। एसपी साउथ ने किया घटना का खुलासा, कहा आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, प्रॉपर्टी को लेकर की गई थी हत्या। डीएम और एसएसपी ने लिया महानगर में लॉकडाउन व खुली दुकानों की स्थिति का जायजा। कोतवाली थाने के कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोविड-19 के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे ने कराया ट्रेनों की बोगियों का आइसोलेशन वार्ड में तब्दील। रेलवे हॉस्पिटल में भी बनाया गया 200 बेड का अस्पताल। मास्क और अन्य सामग्री भी कराया गया मुहैया, सीपीआरओ ने दी जानकारी। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर रेडक्रॉस सोसाइटी की टीम द्वारा आयोजित किया गया सम्मान समारोह। स्वास्थ्य विभाग ने NHM के अधिकारियों समेत WHO व पार्टनर संस्थाओं सहित 13 लोगों को किया सम्मानित। महवा मंडी में जारी है फलों और सब्जियों की डोर टू डोर सप्लाई। फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री ने बताया पूरे रमजान के महीने में जारी रहेगी फलों और सब्जियों की डोर टू डोर सप्लाई। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह और उनकी टीम ने लॉकडाउन का पालन कराने के साथ साथ लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में किया जागरूक, कराया ऐप डाउनलोड। और शुक्रवार को महानगर में उमड़ी भीड़, इस दौरान निर्धारित समय से पहले घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस द्वारा 1-1 मीटर की दूरी में बैठाकर दी गई सजा। सीओ कैंट ने कहा अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ की जाएगी वैधानिक कार्रवाई।